सो फाइनली वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ कॉन्टेंट जहां हमें लालटन के किसी भी कॉन्टेंट के ऊपर रिएक्ट करने का बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है. yes. और इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है. यू नो, जैसे एक मलयालम फिल्म है, एक बहुत बड़ी मेगा बजट मलयालम फिल्म है जहां पे सुपरस्टार मोहनलाल सर यू नो एंट्री करने वाले हैं, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है. इसके साथ साथ एक बहुत ही यू नो अपकमिंग एक फेमस एक एक्ट्रेस है जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से है, जिन्होंने okay. काफी दूसरे इंडस्ट्री में काम किया है okay. जो जिनको मैं जानता हूँ, शी इज क्वाइट फेमस इन सोशल मीडिया और काफी बढ़िया उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम किया है. शी इज ऑल्सो मॉडल एंड हर नेम इज कोथा नंदी एंड शी इज ऑल्सो डेब्यूटिंग और आई बिलीव शी इज डेब्यूटिंग इन मलयालम फिल्म. शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन वो बहुत ज्यादा एविडेंट है. यू नो, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली वेयर बंगाल एंड मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कमिंग टुगेदर द आर्टिस्ट और एक बहुत बड़ा कंटेंट बनने वाला है बिकॉज द डायरेक्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, लीजो पेलिसरी. okay. तो उनके तरफ से ये फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्द ऑन 25th of January 2024 और इस प्रोजेक्ट का नाम है मलाईकोट्टई वालिबन. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर. आपको हम जरूर बताएंगे कि रिएक्शन हमें इसका कैसा लगा और यू नो व्हाट डू वी थिंक अबाउट दिस. लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे सबसे पहले आपको जो काम करना है इस रिएक्शन को देखने से पहले, हमारा रिव्यू पढ़ने से पहले, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे कॉन्टेंट्स के अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर. ഞാനും ലഹരിയിൽ മതി പറന്നു. മതി പറന്നാൽ അതിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് മാങ്ങോട്ട് കളരിയുടെ ആയുധം കൂട്ടും ചതിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് തരീക്കെ ഷോട്ട് ലിയാ കണ്ണീരും ചോരയും വീണാണ് കടലുണ്ടാകുന്നത്. ആ കടലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരും. സൂര്യന്റെ തീ ഈ കോട്ട ചാമ്പലാക്കും. ആ ഈ രാജസ്ഥാൻ വഗേറെ പേ ഇസ്കോ ഷൂട്ട് കിയാ ഗയാ ഹൈ. യാ ആർക്കിടെക്ചർ What a shot. Yeah. Nice shot. Shots काफी अच्छे हैं. Wow. Nice shot. Wonderful. भी कमाल का है. Yeah, here comes. Woo! Wonderful shot. Is that all? मुझे और देखना था यार. Rockford teenager. पता नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ट्रांसलेट किया है आई एम श्योर कि हम लोग गलत हैं. बट आप लोग काइंडली जो भी मलयाली व्यूअर्स हैं हमारे जो केरला से और दूसरे राज्यों से हैं जो इस ट्रेलर को देख रहे होंगे जिनको इस भाषा के बारे में हमसे भी ज्यादा ज्ञान है, यू आर वेलकम टू रेक्टिफाई अस इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज बताइए मलाईकोट्टई वालिबन का मतलब क्या है. यस, और आई एम स्टिल यू नो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई ट्रेलर इतना जल्दी खत्म हो गया और ये मेरा मन था कि मैं थोड़ा और ज्यादा देखूं. पर यहाँ पे मेरी जो राय है रेदान से थोड़ी अलग है. मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि गाइस जितनी मैं कोई अच्छी कंटेंट को कम देखूंगा उसे मतलब उसी तरह से एडिट किया गया है, ज्यादा कुछ एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए. वही मैं कहना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया था, यू नो इतना बढ़िया था इस ट्रेलर को इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया कि लोग देखने के लिए और उत्सुक हो जाएंगे. सो जो भी पर्पस था डायरेक्टर का और प्रेजेंटर का जिस तरीके से इसको ट्रेलर को प्रेजेंट करना था
वो लोग सक्सेसफुल हो गए। यस गाइस, और यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हम लोग लगभग 2 सालों से हम लोगों ने बहुत सारे रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कंटेंट के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया है, टीजर कहिए, ग्लिम्स कहिए, ट्रेलर कहिए, पर 2 सालों में मैंने कुछ एक ये पहली बार मैंने एक ऐसा ट्रेलर देखा जहाँ पे मतलब इतनी फाइनली इसे एडिट किया गया है, फाइनली अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है, हर एक शॉट एक फोटोग्राफ की तरह। यस गाइस, एक फोटोग्राफ। और यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जब भी कोई फिल्म का कुछ अगर ट्रेलर आप मतलब आपको पता है कि आपने कितनी बड़ी फिल्म बनाई है, राइट, आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा है, आपकी यहाँ पे थिंकिंग काफी बड़ी है, आपने एग्जीक्यूशन भी आपका बहुत बड़ा है, पर क्या करते हैं जब ट्रेलर जब वो बनाते हैं ना गाइस, वो ट्रेलर फिल्म के फिल्म जैसा उसकी तरह बिल्कुल नहीं होता है। आई एग्री। और यहाँ पे ये जो ट्रेलर था गाइस, इसका जो बीजीएम कुछ कुछ जगहों पे जिस तरह से यूज किया गया, बीजीएम तो बढ़िया था, लेकिन आप शॉर्ट्स देखिए जरा, मैं इतना ज्यादा मैं यू नो काहिल हूँ शॉर्ट्स का, यू नो मैं बस आई हैव लॉस्ट माय सेल्फ इनटू द शॉर्ट्स, क्योंकि कुछ कुछ शॉर्ट्स ऐसे लगते हैं कि यू नो मणिरत्नम सर की, संतोष जैसे वो शॉर्ट्स लेते थे, जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी उनकी होती थी, बहुत याद है, बैटरी मैरन सर के फिल्म्स के जैसे शॉर्ट्स होते थे, वहां पे वो वाइब आया, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू नो लियो जोस पेलिसरी और मधु नीलकंदन को, जिन्होंने मधु नीलकंदन बेसिकली इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है, डायरेक्टर, वंडरफुल जॉब, वंडरफुल, ब्रिलियंट, वंडरफुल जॉब सर, मतलब ये जो हमारे मुंह से ये जो बातें निकल रही है ये तो बहुत ही छोटी है, छोटी है, आपको इससे भी ज्यादा तारीफें मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से आपने हर एक शॉट को लिया है, यू नो राजस्थान के जो किलो की तस्वीरें ली जाती हो, जिस तरीके से हर एक सीन को दिखाया गया हो, क्या मैं मेरे आंखों के सामने वो पूरा ट्रेलर अभी भी वो एक तैर रहा है। जो आर्ट को समझते हैं, जो सिनेमा को समझते हैं, या फिर जो सिनेमेटोग्राफी को ज्यादा मतलब ज्यादा फोकस रखते हैं कि सिनेमेटोग्राफी किस तरह की होनी चाहिए, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है, उनके लिए मतलब ये एक माइलस्टोन सेट करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस के 2024 की ये मैंने एक मास्टरपीस, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो है, मास्टरपीस होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे यू नो बहुत दिनों से लग रहा था कि ये ऐसे, जैसे हम लोग प्रीवियस बहुत सारे रिएक्शन में बात कर चुके हैं कि कहां गए ये सिनेमाटोग्राफर्स, क्या होगा आगे की जनरेशन का, कुछ ही रिएक्शंस पहले हम लोगों ने एक किसी कंटेंट के रिएक्शन के ऊपर हम जब बात कर रहे थे तो ये मैंने ये बात छेड़ी थी। मुझे इस चीज का डर रहता है कि इतनी बढ़िया कहानियां हैं हमारे देश में, उसको दर्शाने का तरीका अगर दूसरे लेवल का नहीं हुआ तो कहां जाएंगे। यही बात मैं कहना चाहूंगा गाइस के दर्शाने का तरीका, रिसेंटली मैंने जितने भी हाई लेवल के पैन इंडिया फिल्मों के ट्रेलर या टीजर मैंने देखी है, जब पैन इंडिया के फिल्म के बारे में अगर बात आती है तो ट्रेलर और टीजर में जो मेन लीड है उसे इतना लाउड क्यों दिखाया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। पर यहाँ पे मोहनलाल सर का जो यहाँ पे फर्स्ट जो अपीयरेंस था, आप देखिए एज अ लीड यहाँ पे उनको ज्यादा नहीं दिखाया गया है, वी आर रिएक्टिंग ऑन अ ट्रेलर, हम यहाँ पे टीजर के बारे में बात नहीं करते क्योंकि टीजर में सब कुछ तो कम दिखाया जाता है। यहाँ पे जो एस्थेटिक्स है, जिस तरीके से पूरे सेटअप को यहाँ पे दिखाया गया है, सिनारियो या फिर जो कहानी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और एक छोटा सा ग्लिम्स भी अगर मोहनलाल सर का होता तो हमें पता चल जाता कि उनका कैरेक्टर यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे मुझे जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, जिस तरीके से पूरे आप इतना बढ़िया कलरफुल है, मुझे लगा कि किसी फ्रेंच सिनेमाटोग्राफर ने 90s में इस फिल्म को शूट किया हो और उसको किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको प्रेजेंट किया जाए। यस गाइस, हम यहाँ पे क्वालिटी है इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। यस गाइस, यहाँ पे हम ट्रेलर पे हमने रिएक्शन दिया है, हमें विजुअली हमें जो चीज हमें देखने को मिली है हम उसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे। राइट, और मतलब मैं यहाँ पे अगर खासियत जो बताऊं इस ट्रेलर की, जो मुझे और भी बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे, एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि यहाँ पे मेन जो एसेंस है, यहाँ पे हम सबको देखो तो यही लगता है कि यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर है और यहाँ पे एक क्लैन को दिखाया गया है, उस क्लैन का नाम ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस क्लैन के लीडर शायद मोहनलाल सर होंगे और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन उन्होंने छिड़ी है ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, वही कुछ हमें स्टोरी ज्यादातर समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से यहाँ पे इंस्पिरेशन लिया गया है। आई थिंक सो, ये रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर नहीं है, इंस्पिरेशन तो कुछ ज्यादा ली गई होगी लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई कहानी है नहीं शायद, क्योंकि ये क्रेडिट हम पीएस रफीक सर को देना चाहते हैं जिन्होंने पहले भी लीजो पेलिसरी के साथ बहुत सारी फिल्में बनाई है जो बहुत मास्टरपीस रही है। लेट्स टॉक अबाउट नायकन, और एक और फिल्म थी जो उन्होंने रिसेंटली बनाई थी अलॉन्ग विद लीजो पेलिसरी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एज ऑफ नाउ,
ओके, लेकिन दो ऐसी फिल्में उन्होंने बताई थी। आप कमेंट में जरूर आके बताइए कि कौन सी वो फिल्म थी जिन्होंने पीएस रफीक और लीजो पेलिसर जी ने दोनों मिलकर बनाई थी। और साथ में आप ये भी बताइए गाइस कि ये फिल्म की जो स्टोरी है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है या नहीं। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे जो कास्ट में देखते हैं, जो यू नो इट इज सो वाइब्रेंट आउट हियर कि कास्ट में बहुत मिक्स्ड कल्चर, आई मीन द बिग स्टेट्स और दूसरे इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अलॉन्ग विद सुपरस्टार मोहनलाल सर वी हैव सोनाली कुलकर्णी, ओके, देन वी हैव हरीश पेरडी, मनोज मोसेस, कथा नंदी एंड दानिश सैद, दानिश सैद एंड मणिकंदन अचारी। इस फिल्म को जैसे हम लोग कास्ट एंड क्रू के बारे में अगर जरा सा बात कर ले, कास्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं और एवरीथिंग लुक्स सो इंटरेस्टिंग। मुझे हर एक किरदार का नाम जानने का मन कर रहा है, हर एक आदमी को जो मैंने देखा है, द वे दे आर एक्टिंग, दे एक्सप्रेसिंग, मुझे सबका नाम जानने का मन करता है। यस, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लीजो योज पेलिसेरी ने, एंड देन द प्रोड्यूसर आर शिबू बेबी जॉन, आचू बेबी जॉन, विक्रम मेहरा, सिद्धार्थ आनंद कुमार, एमसी फिलिप, जेकब बाबू। और जैसे हमने कहा कि इस फिल्म को लिखा गया है पीएस रफीक और लीजो योज पेलिसेरी द्वारा। इसके सिनेमाटोग्राफर को मैं फिर से वो आई वांट टू गिव अ ग्रेट अप्लॉज, दैट इज मधु नीलकंदन, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। एंड वी वुड, हम आपके नाम को सर्च करते हुए हम और भी ज्यादा आपके कॉन्टेंट चेक करना पसंद करेंगे कि आपने और क्या इस लेवल का क्या बनाया है। यस, सो इसके म्यूजिक डायरेक्टर है, बाय द वे व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक, यहाँ पे प्रशांत पिल्लई का म्यूजिक है, बहुत ही सुंदर था, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड, बहुत एंगेजिंग था, और एक जो सेटअप हुआ है, जो मूड उस ट्रेलर के साथ मिक्स हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसमें एक्शन डायरेक्टर, द स्टंट डायरेक्टर्स आर विक्रम मोर एंड सुप्रीम सुंदर। और जैसे हमने आप लोगों को बताया, दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज वेरी सून अपार्ट फ्रॉम मलयालम ये दूसरे भाषाओं में भी निकले, क्योंकि पैन इंडिया फिल्म का जमाना है, हम चाहते हैं कि दूसरे कॉन्टेंट भी हम एंजॉय कर पाए। जो दूसरे इंडस्ट्रीज इतनी बढ़िया फिल्में बना रही है तो वो किसी दूसरे भाषा दूसरे राज्यों के लोगों से मिस ना हो जाए। यस गाइस, अब सिनेमा एक जगह एक साथ एक ही मुकाम पे आ गई है। अब वैसा नहीं है कि इस ये इंडस्ट्री अलग है वो इंडस्ट्री अलग है, अब पैन इंडिया का जमाना है तो इस तरह की फिल्में बन रही है, तो आपको देखना चाहिए अगर आप सिनेमा लवर हो तो। एक ही दिन में फाइटर भी रिलीज होने वाली है और यहाँ पे मलाई कोट्टई वालीबन भी रिलीज होने वाली है, तो आप जरूर जाके दोनों में से किसी फिल्म को देखिए, पर इस फिल्म को तो देखना बनता ही है गाइस। सो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर मलाई कोट्टई वालीबन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा और जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे किए हैं, हम चाहते हैं कि आप उसके जवाब लेके जरूर आए। क्या है मलाई कोट्टई वालीबन की कहानी, क्या ये रियल है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है या किसी से इंस्पायर्ड है, और पीएस रफीक और लीजो योज पेलिसेरी ने और कौन से कंटेंट के ऊपर और कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ काम किया है वो भी हमें जरूर बताइएगा। yes. और हमारे चैनल को देखना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके लिए तो फ्री होगा लेकिन हमारे लिए ये एफर्ट एक एक गिफ्ट की तरह है, आपकी तरफ से मिलेगा, हमारे एफर्ट को एक पहचान मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे आप जरूर जा सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, एंड देन इन वी आर इन थ्रेड, हर जगह हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। बट डू कम बैक टू आवर चैनल, हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन बिग मोर प्रोजेक्ट्स और कुछ नया आपके लिए हमेशा प्रेजेंट करते रहे हम। एंड बाय सीइंग दिस द रिएक्शन इट सेज जय हिंद।